गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास प्लस वन यूनिट वन एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस थे वो लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब इंटरसेक्शन लगेगा, तो हम पहले जो वैल्यूज है वो राइट कर लेते हैं। ए ब्रैकेट 3, 5, 7, 9, 11 और बी के जो रहेंगे वो है हमारे पास 7, 9, 11, 30 एंड सी के हैं हमारे पास 11, 13, 15 एंड जो लास्ट रहता है वो डी है, डी के हैं हमारे पास 15 एंड 7। हमने सारे के सारे जो वैल्यूज है वो राइट कर लिए। हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इंटरसेक्शन होता गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरसेक्शन रहेगा उसका मींस ये रहता है कि जो भी वैल्यूज होंगे, इंटरसेक्शन का मींस ये रहता है कि जो भी वैल्यूज होंगे वो हम अब गिवन लिखेंगे। पहले हमने सारे के सारे लिखे, अब लिखेंगे जो मैच कर रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, क्या 3, 5, 7, 9, 11। तो इंटरसेक्शन का साइन लगा 7, 9, 11, 30। तब चेक करेंगे इसमें कॉमन क्या रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है और 11 आ रहा है। हमने लिखा 7, 9, 11। तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, हमने आंसर आ गया 7, 9, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट वो है बी इंटरसेक्शन सी। इसका जस्ट एक और पार्ट कर लेते हैं, बाकी जो रिपीटेड और सेम पार्ट्स है वो आप लोग खुद करेंगे। हमारे पास रहता है 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन रहेगा हमारे पास अब इसका सी पार्ट का 11, 13, 15। तब चेक करो कॉमन क्या रहा है, 11 आ रहा है और 13 आ रहा है, तो मुझे 11 और 13 ही राइट करना है। अब 11 एंड 13 हमारे पास 11 और 13 इसका सिंपल सा आंसर आ गया। दोबारा से सुन लो कि हम जब भी इंटरसेक्शन करते हैं तो हम सिर्फ कॉमन करते हैं टर्म्स का, जो भी टर्म्स फर्स्ट सबसेट और सेकंड सबसेट में कॉमन आए। हमारे पास जो फर्स्ट है उसमें कॉमन क्या रहा, 7, 9, 11 रहा इसमें और इस वाले में 11 और 13 रहा, इसलिए हमने इसके आंसर राइट कर दिए। अब मैं जो जो पार्ट सिर्फ दो टर्म्स में हो रहा है जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे वाला ऐसे ही पार्ट अब मैं राइट कर रहा हूं और जो तीन वाले हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे पास अब इसका जो क्वेश्चन रहता है वो ए थर्ड जो रहता है ए इंटरसेक्शन सी, फोर्थ रहता है बी इंटरसेक्शन डी और फोर्थ के बाद फिफ्थ रहता है ए इंटरसेक्शन डी। ओके, हमारे पास ये पार्ट्स जो छोड़ दिए मैंने वो आप लोग खुद करेंगे। और हमारे पास जो सिक्स क्वेश्चन है वो रहेगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम के यूनियन के क्वेश्चन के बिल्कुल एज इट इज है। हम इस क्वेश्चन में पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी राइट किया तो मैं इसके डायरेक्ट आंसर ऊपर से पिक कर लेता हूं, ए ये है और सी है, तो 11, 13, 15 है, तो यहां मुझे जस्ट 11 ही दिख रहा है तो मैं 11 बी राइट करूंगा क्योंकि कॉमन ए और सी में से क्या है, ए के जो एलिमेंट्स राइट किए वो ये हैं, सी के ये हैं, तो हमारे पास 11 कॉमन आ रहा है तो हम 11 राइट कर रहे हैं। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, हमारे पास एक आंसर आ गया 11 इंटरसेक्शन, तो जो डी है उसमें है 15 एंड 7।
अब इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई, यहाँ 11 है यहाँ 15 और 17 है, कॉमन तो आ नहीं रहा कुछ। जब कुछ भी कॉमन आए तो हम सिंपली 5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 5। हमारा ये क्वेश्चन भी यही पे खत्म हो गया। इसके बहुत सारे आगे जो पार्ट्स रहते हैं, अब तीन टाइप्स वाले पार्ट्स हैं, उस टाइप का मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूं। हमारे पास 6 हो गया, 7 है, 8 इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब मैं 7th क्वेश्चन राइट कर लिया तो मुझे ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी, वही बोर्ड मास वाला तरीका की ब्रैकेट पहले सॉल्व करो। तो हमारे पास आ गया 7, 9, 11, 13। सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 11, 13, 15। तो हम अब कॉमन यूनियन आया तो कॉमन लिखेंगे, तो यूनियन में सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो हम राइट कर लेते हैं। हमने सारे के सारे एलिमेंट्स राइट कर लिए। अब ए इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैं सारे के सारे एलिमेंट्स किसके राइट करूंगा? ए के। एक एलिमेंट आगे 3, 5, 7, 9, 11 एंड इंटरसेक्शन एलिमेंट्स ऑफ बी यूनियन सी के 7, 9, 11, 13, 15। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो हम अब इसमें से राइट करेंगे जो कॉमन आता है। मुझे तो बस एक 7 ही दिख रहा है, सॉरी 7 के साथ 11 है, 7, 11। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहीं पे ही, अच्छा एक और है 7, 9 लिखा है, 7, 9 and 11। तो अब इस टाइप के और भी बाकी क्वेश्चन बचते हैं, वो भी आप अपने आप करेंगे। अब तो 7th हो गया, 8th है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, 9th है ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो 10th है ए यूनियन डी एंड सी यूनियन सी। तो ये क्वेश्चन बचे, इन इस लास्ट के जो दो क्वेश्चन हैं इनमें हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ए यूनियन बी, बी यूनियन सॉरी बी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले इस इंटरसेक्शन का आंसर निकलना चाहिए, फिर यूनियन का, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो ये भी हमने जो भी क्वेश्चन अभी घर के लिए दिए वो सब लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद मेरे नंबर के ऊपर होमवर्क सेंड कर देंगे। थैंक यू।